भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्राण नहीं जुड़े तो कोई प्रार्थना चमत्कार ना करेगी। हमारी प्रार्थनाएं तामसिक प्रार्थनाएं हैं, हमारी इबादत में भी दूसरों की भलाई नहीं है। एक बुढ़िया थी, उसकी पीठ में एक कुबड़ था, बड़ी दुखी थी। कुबड़ पीठ में रखकर घूमती थी सड़कों पर, और जो देखता था वो उसका मजाक बनाता था। जानते हो कुबड़ किसको निकलती है? पता है, जो लोग मंदिरों का खाते हैं उनकी पेट में कुबड़ निकलती है। जो धर्म का पैसा खाते हैं, जो ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, जो लोग निर्माल्य भक्षण करते हैं, जो देव सास गुरु के द्वारा समर्पित द्रव्य को खाते हैं, अगले जन्म में उनकी पीठ में कुबड़ रख दी जाती है। ध्यान रखिए, इसलिए सब कुछ करना, भूखे मर जाना, दाल रोटी खा के जिंदगी गुजार देना, और ना मिले तो घास की रोटी खा के जीवन गुजारना, लेकिन कभी भी धर्म और धर्मायतनों का धन भक्षण नहीं करना चाहिए, धर्म स्थलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। मंदिरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए बैठे हैं लोग, बरसों से दुकान लिए बैठे हैं, 20-20, 40-40 रुपया किराया देते हैं। आप सोचिए, धर्मादा है, आप धर्म का भक्षण कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और ईश्वर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, ये धर्म स्थलों पर कब्जे करना, धर्म स्थलों पर बपौती जमाना, धर्म आयतनों का खाना, चढ़ावा खाना, जैन दर्शन में कहा है कि सबसे बड़ा कोई पाप है तो निर्माल्य भक्षण सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। ध्यान, जब तक पुण्य उदय है खूब खा लो पी लो, जिस दिन पाप का उदय आएगा, ध्यान रखना, दाने दाने को आदमी तरस जाया करता है। ध्यान रखिए, कुबड़ निकल आई उस बुढ़िया को। मालिकियत मत करो, जो दुनिया का मालिक है हम उसके मालिक कैसे रहेंगे? हम यदि मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं तो हम केवल सेवक हैं, सेवक। मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूं, नियम लिखे रहते हैं, इस मंदिर में ये नहीं होगा, इस मंदिर में वो नहीं होगा, यहां ये नहीं चढ़ेगा, यहां वो नहीं चढ़ेगा। आदेश से अध्यक्ष शर्म आती है मुझे, अध्यक्ष आदेश, अध्यक्ष कभी आदेश नहीं करता। ध्यान रखिए, और आदेश करता है तो उसका अध्यक्ष पना ज्यादा देर टिकता भी नहीं है। ध्यान रखिए, कभी भी मंदिरों के बोर्ड पर आदेश और आज्ञा नहीं लिखी जाती, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन लिखा जाता है। ध्यान रखिए, भगवान के दरबार में आदेश काम नहीं करते, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन काम किया करता है। अरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इस देश पर आदेश नहीं चलाते, जब भी दिल्ली दरबार से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें भी हाथ जोड़कर जनता का निवेदन करना पड़ता है, जनता के हाथ जोड़ना पड़ते हैं, जनता पर हुकूमत नहीं। तीन लोग के नाथ पर कैसे हुकूमत करोगे? सेवक हैं। सौभाग्यवानों कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति को मैंने काम के लिए आदेश किया, मैंने कहा कि मेरे भाई ये काम कर देगा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा महाराज, मैंने कहा क्यों, कोई कठिन काम है, तू नहीं कर पाएगा? बोलेगा मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, तो फिर तेरी आंख क्यों भर आई? बोले आंख इसलिए भर आई महाराज कि आपने मुझे काम के योग्य समझा, वरना मेरे जैसे तो आपके पास हजारों आते हैं,
यदि आपने काम बता दिया तो मुझे लगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस गई है। कोई काम गुरु बता दे जीवन का सौभाग्य समझना, और काम करने के बाद ये मत समझना कि हमने उन पर कोई एहसान कर दिया है। अरे क्या एहसान करोगे तुम, एहसान तो संत ने तुम पर कर दिया है और तुम्हारे लिए कल्याण के रास्ते। क्या ऐसा थोड़ी सी महाराज की सेवा क्या कर दी, ऐसी छाती चौड़ी करते हो जैसे महाराज को अपना गुलाम बना लिया हो। ध्यान रखिए किस्मत वाले हो, वरना लाखों लोग आते हैं संत दरबार में, पूरा चौमासा करके चला जाऊंगा, 90% लोगों के तो मुझे नाम भी मालूम नहीं होंगे, ध्यान रखिए। और कहीं अनजान मिलोगे तो तुम ही बताओगे कि हम ग्वालियर से आए हैं, मैं तो इतना भी नहीं जानूंगा कि कौन कहां से आया है। दो चार लोगों के नाम जुबान पर होते हैं, एक बात याद रखना, कहते हैं ना कि जिनके नाम संतों की जुबान पर होते हैं, ध्यान रखना इससे बड़ा नोबेल पुरस्कार दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता। हर किसी का नाम थोड़ी होता है, अभी मैं सबको थोड़ी जानता हूं, अभी जाओगे तो मैं पहचानूंगा ही नहीं कि कौन हो। पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ध्यान रखिए। माननीय बुढ़िया के पीठ पर कुबड़ है, नारद मिल गए रास्ते में। नारद को देखकर बुढ़िया रोने लगी। नारद ने कहा, अम्मा रोती क्यों है? अम्मा ने कहा कि कौन हो तुम? बोले मैं नारद। क्या कष्ट है तुम्हें? बुढ़िया ने कहा कष्ट तो बहुत है। बोली क्या दुख है तुम्हें, तू क्या करेगा? मैं तेरे दुख दूर कर दूंगा। बुढ़िया ने कहा कि नारद एक तो मेरा बुढ़ापा, और बुढ़ापे का मतलब है इस जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। कोई बुढ़ापे में पूछता नहीं है, कोई पास नहीं आता, घर के लोग सलाह नहीं लेना पसंद करते, कोई पास बिठाना पसंद नहीं करता, हाथ पैर चलते नहीं है, काम खुद का कर नहीं सकते हैं। नारद तुम तो जानते हो ना, बुढ़ापे से बड़ा कष्ट दुनिया में कोई और नहीं होता। तो नारद ने कहा तुझे कष्ट क्या है? बोले एक तो मेरा ये बुढ़ापा और दूसरा मेरी पीठ पर ये कुबड़ रखा हुआ है, और इसे देख करके बच्चे मजाक बनाते हैं, हर कोई इस कुबड़ को देख करके हंसता है। नारद ये ताने सुन सुन के परेशान हो गई मैं, हे नारद तू कुछ बता, इस दुख से तो मुक्ति दिला मुझे। नारद ने कहा कि चिंता मत करो अम्मा, एक बात याद रखना, किसी बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर उसका मजाक मत बनाना, किसी बूढ़े की झुर्रियों को देखकर हंसना मत, किसी के बुढ़ापे को देख करके मजाक मत बनाना। एक बात याद रखो, ये बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, आज उनको आया कल तुम्हें आया। अरे किसी बुढ़ापे की जिंदगी को देखकर उसका मजाक मत बनाओ, यदि बन सको तो एक बात याद रखना कि बूढ़े की एक एक झुर्रियों में जिंदगी के हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। पढ़ सको तुम अनुभव को पढ़ना और जिंदगी को संवारना। अरे पढ़ सको किताब, पढ़ना आसान है लेकिन जिंदगी को पढ़ना कठिन काम हुआ करता है। बुढ़िया को लोग चिढ़ाते, झुकी हुई कमर देखकर बच्चे कहते अम्मा ये तीर कमान कितने में लिया है, ये कहां से आया, और ऐसी झुककर चल रही हो, क्या खो गया तुम्हारा? बुढ़िया बच्चों को देखती और कहती सच कहते हो, एक चीज खो गई है मेरी जिसे मैं खोजती फिर रही हूं, आज तक ना मिली, घर के भीतर और बाहर हर जगह खोज लिया, वो चीज आज तक ना मिली। बच्चों ने कहा बुढ़िया अम्मा क्या खो गया? बोले एक चीज खो गई जो मुझे मुफ्त में मिली थी, तुम्हें भी मिलेगी बेटा एक दिन, तुम्हारी भी खो जाएगी,
उस दिन इस बुढ़िया को याद रखना। बच्चों ने कहा क्या खो गया? बोली मेरी जवानी खो गई है, उसे मैं खोजते फिर रही हूँ, एक दिन तुम्हें भी मिलेगी बेटा और तुम्हारी जवानी भी एक दिन ऐसे ही खो जाएगी। ध्यान रखिए।